पिताजी की दुकान है ये, जो पेंट की दुकान है, और यहाँ पर दुकान देखेंगे आप, पेंट की दुकान है, पेंट बाकायदा मिलता है, पाइप भी मिलते हैं, और जो पाइपलाइन है, तमाम चीज़ें देखेंगे, टाइल्स का भी काम है, पत्थर का भी काम है, और कुछ फर्नीचर का भी काम है। जो इंटरव्यू में बार बार शुभ की मम्मी बता रही थी कि जिस मंदिर में शुभ पूजा करते हैं, बहुत ही धार्मिक परिवार है, ये देखेंगे हम, आप उनका मंदिर दिखा रहे हैं आपको, नियम है उसका, नियम है शाम को दिया रखना, आरती करना, भोग करना, अच्छा पटबंध करना, जो संस्कार हैं। आंटी जी आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और मंदिर आप जो न्यूज चैनल को सब बता रहे थे, तो अभी ये मंदिर बिल्कुल, ये मंदिर किसी ने नहीं दिखाया होगा, आप देख लीजिए ये मंदिर है, और इतने धार्मिक हैं सुबह, ये लाइट आपको पता चल रहा, आंटी रात में जगी तो देखी कि लाइट जल रही है सुबह के रूम की, ये नींद कहाँ आती, बच्चा पढ़े वो अपन सोए, हमें नींद ही नहीं आती थी, देखते थे कि कितना पढ़ रहा, क्या कर रहा है। नहीं तो कल निकलेगा, आवाज उठाइए, हल निकलेगा। नमस्कार, नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड के जैसे ही रिजल्ट आए तो चरखारी का नाम बड़ी बड़ी न्यूज चैनलों में गूंजने लगा। जो यूपी बोर्ड 12वीं के टॉपर रहे हैं शुभ चपरा, उनका हम आपको मकान दिखा रहे हैं, चरखारी में उनका मकान, कहाँ पर मकान है, और हम उनके मकान के अंदर लेके आपको जा रहे हैं। ये रास्ता है, और उनके पिताजी की दुकान है ये, जो पेंट की दुकान है, और यहाँ पर दुकान देखेंगे आप, पेंट की दुकान है, पेंट बाकायदा मिलता है, पाइप भी मिलते हैं, और जो पाइपलाइन है, तमाम चीज़ें देखेंगे, टाइल्स का भी काम है, पत्थर का भी काम है, और कुछ फर्नीचर का भी काम है। जो इंटरव्यू में बार बार शुभ की मम्मी बता रही थी कि जिस मंदिर में शुभ पूजा करते हैं, बहुत ही धार्मिक परिवार है, ये देखेंगे हम, आप उनका मंदिर दिखा रहे हैं आपको, ये मंदिर है, यहाँ पर शुभ लगातार दिनचर्या उनकी, मंदिर में जरूर सब लोग पूजा पाठ करते हैं, माथा टेकते हैं, और देखेंगे ये मंदिर, यहाँ पर जो दुर्गा माता जी से विराजी हैं, अम्बे माँ अम्बे का दरबार है, और ये मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है, और अगल बगल गणेश जी, और जो साथ में, अब मुझे इतनी जानकारी नहीं है कौन है, रिद्धि सिद्धि है कौन है, दुर्गा जी है, अच्छा दुर्गा जी है, ये मंदिर है, और उनकी माँ बता रही थी, सब बहुत ही धार्मिक है, यही कंठस्थ बचपन से ही यहाँ रामायण पढ़ता रहा है, और उनके साथ जो उनके दुकान में आप सुब के कौन हैं? हम दुकान में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं सुब के। सुब कैसा है, आप तो सबको बहुत करीब से जानते हैं। बचपन से ही बहुत होशियार था पढ़ने में, पूजा पाठ में, अच्छा आगे बहुत मतलब है, जो रहा है हमेशा से रहा, इसी मंदिर में देख रहे हैं, इसी मंदिर में, इसी चबूतरा पे, इसमें बैठ के। कोई ऐसा दिन रहा था हो जहाँ सब पूजा छोड़ देता हो, ऐसा कोई दिन? कोई दिन नहीं, उसको पूजा उसका नियम है, उसका नियम है, शाम को दिया रखना, आरती करना, भोग करना, अच्छा पटबंध करना। जो संस्कार हैं आंटी जी, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और मंदिर आप जो न्यूज चैनल को सब बता रहे थे, तो अभी ये मंदिर बिल्कुल, ये मंदिर किसी ने नहीं दिखाया होगा, आप देख लीजिए ये मंदिर है, और इतने धार्मिक हैं सुबह, यहीं उनके मम्मी पापा ने उन्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, यहीं पर बैठ के, और रामायण आंटी जी बता रही थी कितनी साल से, मतलब चार पाँच साल से रामायण पढ़ने लगा था, सबको जानते हैं, कुछ बच्चे भी आए हैं, देखें एक जब बच्चा 12वीं बोर्ड में टॉप कर जाता है तो बच्चे देखने आते हैं, सबको जानते हो बेटा तुम? नहीं जानते, मंदिर देखने आए थे शायद। आंटी जी चलते हैं सुबह का रूम और दिखा देते हैं, और दुकान आप देखते चलिए, रूम में अभी फैला है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, शादी है 10 तारीख की बेटे की, आंटी जी के सुबह जहाँ पे पढ़ाई करते थे वो रूम भी हम दिखाने चले हैं। मीडिया लगातार, बड़ी बड़ी मीडिया, सबको एक मिनट का टाइम नहीं रहा है, कल से ही लगातार मीडिया घर पर आ रही है, बधाइयों के ताते लग गए हैं। ये है सुबह का रूम, ये देखिए, ये एक यूपी बोर्ड जो 12वीं के टॉपर हैं सुबह चपरा, उनका रूम आंटी जी दिखा रही हैं, शादी का माहौल है, बिल्कुल तो उसमें फैला, आंटी जी यहीं सोना होता है सुबह का, देखे ये है सुबह का बिस्तर है, और देख लीजिए मैं अपने, बिल्कुल अभी उतना फैला, लेकिन उसका सब विधिवत सामान है, वो अपने आप से विधि में लगाता था, गेट लगा लीजिए पढ़ता रहता था, गेट लगा लिए पढ़ते, 2, 2.5, 3, 4 पता ही नहीं कितना बजे, लाइट आपको पता चल रहा, आंटी रात में जगी तो देखी कि लाइट जल रही है सुबह के रूम की, ये नींद कहाँ आती, बच्चा पढ़े वो अपन सोए, हमें नींद ही नहीं आती थी, देखते थे कि कितना पढ़ रहा, क्या कर रहा है। और आंटी जी जो आपने संस्कार दिए हैं, वाकई आज वो सुबह जो नाम कर रहा है,
और वो हो रहा है, एक माँ का बहुत बड़ा रोल है, अब मैं मानता हूँ। माँ का तो एक पर ये है कि सभी का है, सभी का है। पापा भी उनके धार्मिक है, पापा जैसे पापा है वैसे बच्चे का। बिल्कुल, अभी गुरुजनों से भी बात करेंगे विद्यालय जाके कि शुभ कैसा रहा है, और फिर से मैं कहूंगा अपने रविंद्र जी से कि रविंद्र दिखा दें शुभ का रूम और ये ट्रॉफी। आंटी जी आपने बताया था, बिल्कुल आंटी जी आपने बताया था कि शुभ कभी भी शुभ कभी भी नहीं चाहता है कि आप ट्रॉफी सब किसी को बताएं, और सब कुछ सीक्रेट छुपा के रखना चाहता है। तो जब भी वो सील लेके आए तो इसमें छुपा देता था। अच्छा, हम ढूंढते रहे भैया क्या होगा क्या नहीं, वो बताए, वो ये जानता था कि ये हम बताएं मम्मी सब में फैला देंगे, उसको पसंद नहीं है अपनी बड़वाई खुद। बिल्कुल। और आंटी जी की तस्वीर मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखा दें जब शादी के समय की। बहुत आंटी जी कितनी पुरानी होगी ये तस्वीर? जी कम से कम 30 साल। हाँ, तब सब का जन्म ही, बच्चों का जन्म नहीं रहा होगा। होगा मैं मम्मी ये और जानना चाहता हूँ आंटी जी आपसे कि सुबह सुबह ने पहली बार कब ट्रॉफी जीती थी, याद हो कितने वर्ष का था, किस चीज और किस? दो क्लास से ला रहा, दो क्लास से? बता दे हम, दो क्लास से आ रहा वो टॉपर, मतलब उसी की है सभी। बताइए जब दो कक्षा दो में था, दो क्लास में था, तब से ला रहा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सब में, सब में ला रहा है, विद्या का टॉपर है। भैया कैसा प्यार करते हैं सबको, कितना गाइड करते हैं, छोटा है वो काफी, जो कि टीचर हैं दोनों भाई, तो कितना गाइड करते हैं सबको, सबको देते रहे हिदायत नहीं, मतलब जे उनको सलाह भी देता है क्या करें, अब इंटरव्यू में सलाह लेना तो भैया को लेकर दोस्त है आचार्य जी सबसे लेता है। अब तो सबकी भाभी भी आने वाली है, 10 मई आने, घर में खुशियां लगातार आ रही है। अभी सुबह जो टॉप करके आए हैं इंटर में, पूरी यूपी में टॉप किया है, पूरे देश में छा गए हैं, अब उनकी भाभी भी आने वाली है, 10 मई की शादी है आंटी जी, उसी शादी में, उसी का है, उसी में लगी हुई हैं। और आंटी जी को बहू से आने से पहले भी सब कामनाएं। आपने इतनी अच्छी बात की, आपका स्वभाव भी आंटी जी बहुत अच्छा है। हमारे दर्शकों को कैसी लगे सुबह का रूम, ये देख लीजिए, छोटा सा बिस्तर सुबह का, यहीं सो जाता था, और ये कार्ड बिथरे हुए हैं जो लगने हैं, और ये रूम थोड़ा बिथरा हुआ, ऐसा रूम रहता नहीं है, शादी का माहौल है तो इसलिए थोड़ा सा वो है। मालाएं आपको दिखेंगी, मालाएं कल से ही पड़ी हुई हैं, बिल्कुल यहीं आई हैं। और आंटी जी अभी तक कुछ न्यूज चैनल को जिसको ना बताया हो, ये हमें जनता का राज, हमारे न्यूज चैनल का नाम है, कुछ राज खोल दो आप। अब राज हमारे पास नहीं, कचुड़ी बचू सब राज खोल गए। अभी हम वहाँ बात कर रहे थे, उनने बताओ कि यहाँ पर सुबह का सोना यहाँ पे होता था, सुबह पे नहीं, जैसे मैं चाह रहा तो वो यहीं ले। अच्छा, ये यहाँ लगी है, मैच भी देख लिया, बैठे पढ़ रहे, यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये वो सोफा, जादुई सोफा जिसमें बैठ के यूपी का टॉपर निकला है। सामने टीवी लगी है, टीवी में मैच देखना है, और जब पढ़ना है पढ़ना है। और उन्हें ये भी बताया कि मोबाइल जरूरी था, मोबाइल से पढ़ाई करी, और जब सो गए तो मोबाइल भी अपने साथ रहा, पता यूट्यूब का ज्यादा साथ रहा, यूट्यूब से ज्यादा पढ़ाई रहा हो, मतलब। एक चीज और याद आ रही है मुझे आंटी जी, कि सुबह हर चीज में जानकारी रखता है, राजनीति में भी, अभी लगातार बागेश्वर धाम का वो चल रहा था, सुबह उस बारे में भी कुछ आपसे बातचीत करता था क्या? वो देखता था। हाँ, उन्हें क्या लगता था जो बागेश्वर वाले महाराज भविष्य बताते थे? सब झूठा है बागेश्वर। अच्छा, बागेश्वर धीरेन शास्त्री को लेके, क्या कहते थे धीरेन शास्त्री को लेके? ये कहते थे कि नहीं, जितना बोल रहे हैं अनाश्रम ये कुछ नहीं है, बागेश्वर धाम सही है, ये है साइंस। अच्छा, बागेश्वर धाम बिल्कुल सही सही है, ये मतलब उनको महाराज को फॉलो करते थे, फॉलो करते, ये चीजें बता रहे हैं। तो ये है जो सब लगातार यहाँ ध्वनि इस टीवी में छक्के चौके लगाते हैं, और सब यहाँ पर बैठ के लिखना होता है, पढ़ना होता है, बैठना होता है। आंटी जी को भी क्रिकेट की सारी नॉलेज है, और बच्चों के साथ बैठ के अब देखते हैं ना, बढ़िया, फैमिली बहुत अच्छी है। और कैसी लगी बातचीत? और सुबह इसलिए दिखा रहे हैं सुबह की एक एक चीज, क्योंकि एक दिन में कोई स्टार नहीं बन जाता, पीछे बहुत मेहनत करी होगी सुबह ने, इसीलिए हम आज सुबह की सोने से खाने। और एक चीज और है जो जिसकी फिर से जिक्र करेंगे, जो आंटी जी ने भी बताया कि लाइफ में एक बैलेंस होना जरूरी है। तो आप लोगों के जो पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को ये सलाह दे सकते हैं कि पढ़ाई भी करें साथ ही साथ लाइफ को बैलेंस करें। जैसे आंटी जी आपने बताया कि मनोरंजन करना है तो मनोरंजन भी कर रहे हैं, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और आप लोगों की तरफ से भी कभी फोर्स नहीं रहा, क्योंकि समय से अपनी पढ़ाई भी करनी है, उसको देखना ही नहीं पड़ता था, उनको खुद हम मना करते थे पढ़ाई के लिए, मतलब पढ़ाई नगर पर खाना खाओ वो यही नहीं है, उसको पढ़ाई है, पढ़ाई है। तो बच्चे भी जो देख रहे हैं वो ध्यान रखें, पढ़ाई पहले जरूरी है, उसके बाद आप मनोरंजन भी करें, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे, आप फ्रेश रहें, और आप भी यूपी के टॉपर बन सके।
लास्ट में आपसे कहेंगे कि कैसी लगी बातचीत आंटी जी से, सुबह चपरा जी का मकान कैसा लगा आंटी जी हमारे साथ, उनकी मम्मी कैसी लगी आपको सोने की जगह, और क्या था शेड्यूल, सब कुछ दिखाया आपने, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भैया सिंपल है, हाई फाई वाले नहीं है हम लोग, सादा जीवन उच्च विचार बस, बहुत ही लास्ट में यही सबके जीवन में होना चाहिए। कि वो भी है तो मोदी के साथ तो है, मोदी से मतलब वो जो आंटी जी राजनीति में का है, कब हुए चांस ले हो आपकी, का उम्मीद है आप अभी तो इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि बच्चे पहले हैं। अच्छा, उनका भविष्य, लेकिन भविष्य है, यदि हम उस राजनीति कर अकेले हैं, यदि हम राजनीति करें तो बच्चे कौन देख रहा, आज इतने मुकाम पे तो है ना, उसमें हो जाते तो आज जी हासिल इतना नहीं कर पाता। नगर पालिका के चुनाव है आंटी जी, लगे हाथ पूछ ले रहे, नगर पालिका में कैसे का है, इस बार कैसे चांस है, किन किन के बीच लड़ाई है? अब आप तो बीजेपी में हो तो लगे आपके बीजेपी की बीजेपी निकलेगी वो तो ठीक है। ये थी बातचीत, कैसी लगी आपको? और आंटी जी लास्ट में कुछ कहो चाहो? बस सबसे यही है मम्मी पापा चलते चलते कि बच्चे पर ध्यान दें और बच्चे की खुशी में खुशी हुए, क्योंकि वो जो करना चाहता है उसको करने दें, करने दें, पर देखते रहे कि जी गलत तो नहीं जा रहा। बस कोने कोने बच्चे होते ना जो पांच उंगली बराबर तो होती नहीं है, पर ये जो बच्चा मतलब हमें अपने बच्चे विश्वास है तो हमने तरह मतलब नहीं गौर किया, क्योंकि जानते थे वो कहीं जाएगा ही नहीं, गलत संगत मिल जाती, संगत से बच्चे बिगड़ती, और हम जानते हैं संगत बच्चे की कैसी है, दोस्त उसके सारे सब अच्छे हैं, कोई वो नहीं है, मतलब सबके दोस्त सारे अच्छे हैं, सबके हैं, हमारे दो बेटे हैं उनके भी अच्छे दोस्त हैं, कोई ये नहीं है कि दारू बाजी कुछ नहीं। ठीक है, अब हम ये थी सुब जी की मम्मी थी, अब उनसे बातचीत हो गई है, अब हम आपको मिलवाते हैं सुब के गुरु जी से, वो चलते हैं मकान से विद्यालय की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद।